सुप्रभात बच्चों, आपका ऑनलाइन पढ़ में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी पाठमाला से, जो आपके इस विद्या बुक से ली गई है। और आज का पाठ है हमारा पाठ 12, जिसका हमारा आज का हेडिंग है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। जैसा कि बच्चों जानते हो कि किसी भी देश के चिन्ह या प्रतीक होते हैं, तो हमारे भी देश के चिन्ह और प्रतीक हैं। बच्चों, इसकी प्रतिध्वनि कही गई है, जिसे मार्क ट्वेन ने कहा है कि भारत मानव जाति का पालना है। मानव यानी कि मनुष्य, मनुष्य के पालना यानी कि गोद में खिलाते हैं, उसको पालना बोलते हैं, जिसको झूला पर झुलाते हैं पालना बोलते हैं। यह हमारे मनुष्य जाति का, भारत जो है, हमारी कंट्री जो है, वह पालना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं बच्चों? किसी भी देश की पहचान होते या हम एकता, अखंडता और स्वतंत्रता के विषय में हमें बताते हैं। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली थी। इससे पहले हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय हमारा कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक नहीं था। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जो है इस प्रकार है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। बच्चों, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह जो है क्या है? अशोक स्तंभ है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह क्या है बच्चों? तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जिसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 में अपनाया था। इस स्तंभ में 4 सिंह हैं, जिनके मुंह चारों दिशाओं की ओर है। हमें केवल 3 सिंह ही दिखाई देते हैं। बच्चों, ये बुक देखो, इसमें आपको 3 सिंह दिखाई दे रहे हैं, 1 सिंह नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यह सिंह क्या है? एक समतल आधार पर खड़ा है। इसी आधार पर एक हाथी, बच्चों इधर दिख रहा है, एक हाथी, एक घोड़ा और एक बैल। यहाँ पर बच्चों, जब तुम बुक के ऊपर देखोगे, पेज नंबर 80 है, तो तुमको दिखाई देगा एक हाथी यहाँ जो है तुम्हारा चिन्ह बना है, और एक घोड़ा, मध्य में एक चक्र भी है। बच्चों, इस चक्र के नीचे क्या है? सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की सदा विजय होती है। इस राष्ट्रीय चिन्ह को सारे हमारे राष्ट्रीय कागजों और नोटों पर देखा जा सकता है। बच्चों, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो है तिरंगा। बच्चों, यहाँ तिरंगा देखो, मेरा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगा यह 3 रंगों से मिलकर बना है, जैसा कि बच्चों आप जानते हो, इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग है, मध्य में सफेद है और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है। मध्य में सफेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना होता है। इस चक्र में 24 तिलियां होती है, जिसे राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग क्या कहता है बच्चों? हमारा केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग शांति और हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। हमें इसे राष्ट्रीय ध्वज का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। बच्चों, हमारा राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन अधिनायक जय है, इसे स्वर्गीय रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसे यह सबसे पहले 27 सितंबर 1911 को कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। इसे 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गान गाते समय सावधान स्थिति में खड़े होना चाहिए, उस समय हिलना डुलना या बातचीत करना अपमान माना जाता है। यह इसका पूरा राष्ट्रीय गान हमारा कितना है?
तो 48 सेकेंड से 52 सेकेंड के मध्य में गाना चाहिए बच्चों। आपके स्कूल में भी बच्चों गाया जाता है जन गण मन अधिनायक जय हिंद, जो आप गाते हो। हमारा राष्ट्रीय गीत है, हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने से लिखा था। यह सन 1882 में इनकी पुस्तक जो थी बंकिम चंद्र की आनंद मंच में संस्कृत में लिखा गया था। बच्चों और भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, और हमारा राष्ट्रीय पंचायत क्या है बच्चों, सत्य संबद्ध है, हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है बच्चों, सत्यमेव जयते, और हमारे राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, और हमारा 15 अगस्त हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के रूप में भी मनाते हैं। बच्चों ये सब हम राष्ट्रीय प्रतीक जो है हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता की पहचान कराता है, इसलिए इन प्रतीकों का हमें सम्मान करना चाहिए, इस पर हमें गर्व करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।